अस्सलाम वालेकुम जी। सीवीएस मेडिसिन का लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरटेंशन से क्या मुराद है? ज़ाहिर है हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, अच्छा जब बीपी रेज्ड हो तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। कितना रेज्ड हो, नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली हम कहते हैं कि आइडियल यही है कि 120 से 80 के बीच, लाइक अपर बीपी 120 एंड लोअर 80 होना चाहिए, यही ठीक है। लेकिन स्टिल इफ 130 से कम है या न्यू डेटा के मुताबिक 85 से भी कम है, फिर भी हम इसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा 130 एंड 90 से, तो फिर हम कहेंगे कि बीपी रेज्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइपरटेंशन की उन्होंने आपकी बुक में तीन स्टेजेस बताए हुए हैं। हालांकि स्टेजेस रॉबिन से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल आप देख लें। वो कहता है कि अगर जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से 159 हो, इसी तरह यहाँ पर आ जाता है 160 से 179 और मोर देन 180 हो, तो वो स्टेज 1, 2 एंड 3 में आता है। और इसी तरह अगर हम डायसिस्टोलिक लिख लें तो डायसिस्टोलिक को किया हुआ है जी 90 से 99 तक, फिर 100 से 109 तक एंड मोर देन 110। सो ये मैंने गन मार दिया क्योंकि मुझे ये क्राइटेरिया कोई ऐसा सुटेबल नहीं लगा। रॉबिन ज़रा ज़्यादा पसंद है मुझे। लेकिन ओवरऑल आपने याद रखना है कि हाइपरटेंशन इज़ कि जब आपका सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मोर देन 130 एंड 40 और डायसिस्टोलिक मोर देन 90 हो, तो हम कहते हैं जी पेशेंट हाइपरटेंसिव है। अब हम ओवरऑल एटियोलॉजी के बेस पे कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो दो तरीक़ों से हो सकती है। मैं यहीं पे साथ आपको केसेस भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक जो है उसको बेटे हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, और 95% होती ही एसेंशियल है। एसेंशियल जो हाइपरटेंशन है वो इडियोपैथिक होती है, यानी इसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता कि ये हाइपरटेंशन क्यों स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 95% एसेंशियल ही होती है, जिसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता ही नहीं होता। मोस्टली जो 25 से लेके 55 तक के लोग हैं उनको एसेंशियल हाइपरटेंशन का सामना होता है, और इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका अनक्लियर है। दूसरी तरफ हमारे पास आती है, इस एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ बेटे हमारे पास आती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कॉज मौजूद होता है, और ये कॉज यूजुअली एसोसिएटेड होता है विद बॉडी के दूसरे सिस्टम्स, ठीक है। ये वो हाइपरटेंशन है जो लेस देन 420 या फिर मोर देन 50 में जाकर हो रही होती है, और सडन सुवेयर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है। फिर इसमें हम कॉजेज रूल आउट करते हैं, इसमें कोई ना कोई रीनल कॉज हो सकता है, ठीक है, यानी रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपने पढ़ा है यूरोलॉजी में, या कोई भी रीनोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसे रीनल एओर्टिक आर्टरी की स्टेनोसिस है, पोलियाआर्थराइटिस नोडोज़ा है। इसी तरह बेटे हार्मोनल इशू हो सकता है, एंडोक्राइन पैथोलॉजी हो सकती है, लाइक कशिंग सिंड्रोम है, फियोक्रोमोसाइटोमा जिसमें आपके जो है ये सेरोटोनिन वगैरह ये बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और एपिनेफ्रीन, तो वो विजो कंस्ट्रक्शन करके ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, एक्रोमगैली, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। इसी तरह अगर कोई बंदा दवाइयाँ ले रहा है उन मेडिकेशंस की वजह से उसका बीपी ज़्यादा हो गया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरॉइड्स या एनसेड ले रहा है, या कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हाइपरटेंशन की डिपेंडिंग अपॉन एटियोलॉजी हम कहते हैं प्राइमरी होती है और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसका एग्जैक्ट कॉज होता है और सेकेंडरी जिसका कॉज हमें नहीं पता होता। अब बात यह आती है कि आपको मोस्टली ना इसकी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि हमने पेशेंट को ट्रीट किस तरह से करना है, और ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझने तो अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल आपकी जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है और कार्डियक आउटपुट के, कुछ ऐसा ही है ना। अब हमने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें करनी है जिससे हम रेजिस्टेंस कम कर सकें और जिससे हम कार्डिक आउटपुट को कम कर सकें। नाउ कार्डिक आउटपुट आगे से डिपेंड कर रहा होता है आपके वीनस रिटर्न पे, और वीनस रिटर्न डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम पे। इसका मतलब है अगर ब्लड वॉल्यूम कम करूँ, वीनस रिटर्न कम, कार्डिक आउटपुट कम, तो ब्लड प्रेशर कम, यही होगा ना। तो सारी जो मेडिकेशंस हैं वो फिर इसी हिसाब से आती हैं, ठीक है। सो इनिशियली वो कह रहा है कि हम अपना गोल जो है वो सेट कर लेते हैं। गोल यही होता है कि पेशेंट का बीपी हमने मेंटेन करना है। फिर हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सोडियम जो है वो कम ले, वेट लॉस करे, एक्सरसाइजेस करे, फ्रूट्स वगैरह खाए, ठीक है, अल्कोहल ना यूज़ करे, स्मोकिंग ना यूज़ करे, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम स्टेज 2 या 3 पे स्टार्ट करते हैं, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बस आपने समझना है। देखो सबसे पहले हम इस पेशेंट को ना डायूरेटिक्स, मैं ओवरऑल बता रही हूँ फिर थोड़ा सा अलग से भी बताती हूँ। डायूरेटिक्स इसलिए देते हैं कि डायूरेटिक्स आपका यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो आपका वीनस रिटर्न कम, वीनस रिटर्न कम तो कार्डिक आउटपुट कम, कार्डिक आउटपुट कम तो आपका ब्लड प्रेशर कम, ठीक है। सो ये एक चीज़ होती है, डायूरेटिक्स देते हैं हम
इसलिए, ठीक है। उसके अलावा नंबर टू हम क्या दे सकते हैं, नंबर टू बेटे आपको पता है कि सारे का सारा जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है बॉडी में, उसमें मोस्टली आपका रीनल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और रीनल सिस्टम से भी आपको पता है क्या बन रहा होता है, रेनिन, और रेनिन के बाद एंजियोटेंसिन टू। तो हमने क्या करना है कि एंजियोटेंसिन टू की फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए एस इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर्स देंगे, एंजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा, वेजो डायलेशन हो जाएगी, वेजो डायलेशन से आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो बीपी कम हो जाएगा। सो मैं वैसे ओवरऑल आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, फिर हम देख लेते हैं कि बुक में उन्होंने थोड़ा सा इसको किस तरह से बताया हुआ है। तो नंबर वन, बीपी को ट्रीट करने के लिए आप डायुरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि डायुरेटिक्स से आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, और हेंस आपका बीपी कम हो जाएगा। नंबर टू, मैंने आपको कहा कि हम एस इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि कैप्रोपिल, एनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल वगैरह, इनको देने से वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं, वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन से पेरीफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका बीपी कम हो जाएगा। कुछ पेशेंट एस इनहिबिटर बर्दाश्त नहीं कर सकते ड्यू टू कफ एंड एडीमा, तो फिर उनके अंदर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, उनका भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। सो ये दे देते हैं। उसके अलावा बेटे आपको बताए कि जितना आपका हार्ट रेट ज़्यादा उतना आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा और उतना आपका बीपी ज़्यादा, तो हम हार्ट रेट को कम करने के लिए क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, प्रोपनोलॉल वगैरह, अगर नॉन सेलेक्टिव देनी है और सेलेक्टिव देनी है तो मीटोप्रोलॉल, बाइसोप्रोलॉल कर लेंगे। तो ये मेजर ड्रग्स होती हैं। उसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी बेसिकली क्या करती हैं कि वेसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, वेसल्स के स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं, डायलेशन होती है, रेजिस्टेंस कम, तो आपका बीपी कम। उसके अलावा जितने भी डायलेटर्स हैं, यानी जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, हाइड्रिलाजीन हो गया, ये डायलेटर्स जो हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। और आपको बताया कि हमारी वेसल्स को कौन कंस्ट्रक्ट रखता है, अल्फ़ा ब्लॉकर कंस्ट्रक्ट रखता है ना, तो फिर हम अल्फ़ा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। इसका मतलब है हम बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर भी देखते हैं, और कुछ पेशेंट्स को अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर जैसे कि लेबिटोलॉल भी दिया जा सकता है। तो ये ट्रीटमेंट आपने फार्मा में समझा हुआ होगा, मेरे से या किसी और से या खुद से, तो आपको ऑलरेडी आता होगा। अब बात ये है कि आपको थोड़ा सा ना स्टेप वाइज अप्रोच का पता होना चाहिए, जो आपकी बुक में बताई हुई है कि हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं और किस पेशेंट को क्या देते हैं। वो कह रहा है कि हमेशा अगर आप देख रहे हो कि स्टेप वन आपका यही होता है कि पेशेंट की एज पर डिपेंड करता है, अगर उसकी एज लेस देन 55 इनहिबिटर है तो हम उसको एस इनहिबिटर देते हैं। एस इनहिबिटर में आप कैप्टोप्रिल कर लो या एनालाप्रिल कर लो, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसकी एज मोर देन 55 ईयर है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखनी है, या वो ब्लैक है, तो फिर हम सबसे पहले जो है वो उसको थायजाइड देते हैं। थायजाइड का मतलब कि हम डायुरेटिक या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, हम एस इनहिबिटर उसको नहीं देते हैं। तो पहली स्टेप में हम लोगों ने एस इनहिबिटर दे दिया या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायजाइड, एक चीज़ दे दी। लेकिन अगर उससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर अगर आपने उसको एस दिया हुआ था तो आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, थायजाइड ऐड करोगे। एस इनहिबिटर के साथ हम क्या करेंगे, डायुरेटिक ऐड कर देंगे, या फिर आप क्या भी कर सकते हो, एस के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर दो, ठीक है, कोई भी दो सम दे दो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि स्टेप थ्री के अंदर हम क्या करते हैं कि इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, यानी हम एस इनहिबिटर डाल देते हैं, फिर हम उसके अलावा उसको थायजाइड दे देते हैं, और हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। एस वेजो कंस्ट्रक्शन कम करेगा, थायजाइड ब्लड वॉल्यूम कम करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आपकी वेसल्स को डायलेट करके प्री एंड आफ्टर लोड कम करेगा। सो कैल्शियम ब्लॉकर में वेरापामिल, डेल्टाजम आ सकता है, थायजाइड के अंदर फ्यूरिसमाइड है, और एस इनहिबिटर के अंदर कैप्टोप्रिल और एनालाप्रिल वगैरह आती हैं, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि अभी भी उसका बीपी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो स्टेप फोर हमारे पास ये होता है कि हम एस इनहिबिटर प्लस थायजाइड प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस कोई और एजेंट ऐड कर लेते हैं। अब उस एजेंट में से हम या तो एन अदर डायुरेटिक्स, स्पिरिनोलैक्टोन वगैरह डाल सकते हैं, या कोई अल्फा ब्लॉकर डाल देते हैं, या साथ में बीटा ब्लॉकर। तो इसका मतलब है कि हमने एस इनहिबिटर और हम कहते हैं जो फर्स्ट लाइन मोस्टली ए सी डी होता है, ठीक है। सो एस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायुरेटिक, और बाद में फिर बीटा ब्लॉकर ऐड होती है इफ़ कंट्रोल ना हो रहा हो फोर्थ स्टेप पे। तो दिस इज़ इट, बस इतना ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, यही मोर देन इनफ है। अगर जाहिर है आपने उसकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको पता है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एनरिज्म डेवलप हो सकता है, वो रप्चर हो सकता है। इसी तरह फिर कार्डियक क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, वैस्कुलर अभी हमने पहले पढ़ा कि एओर्टिक एब्डोमिनल एनरिज्म या एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकती है, और रीनल सिस्टम की तरफ भी हम देखेंगे तो प्रोटीन यूरिया स्टार्ट हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और आई के अंदर आप लोग
लोगों ने बड़ा पढ़ा होगा कि आई में जो है वो पहले थिकनिंग होती है, नर्विंग होती है आर्टेरियोल्स की, फिर उसके बाद वहाँ पे वेंस की निकिंग वगैरह होती है, निपिंग होती है, फिर वहाँ हेमरेज और एक्सुडेट और पैपिलोडीमा आता है, लेकिन वो सब यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। दो टर्म्स सुन लें, उसके बाद मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और एक होती है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी उसको कहते हैं कि जब आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 180 और डायसिस्टोलिक मोर देन 120 हो जाए, लेकिन अभी इस लेवल पे कोई भी ऑर्गन डैमेज या ऑर्गन फेलियर यानी पेशेंट रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या स्ट्रोक में नहीं गया। जबकि इमरजेंसी में ये होता है कि आपका सिस्टोलिक जो है वो अगेन वन मोर देन 200 तक चला जाता है, ठीक है, और मतलब वन मोर देन 180 या मोर देन 120 ही होगा, लेकिन साथ में ऑर्गन फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी ऑर्गन फेलियर में हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, एन्केफेलोपैथी हो सकती है, इस्कीमिक स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, प्रोटीन यूरिया, हिमाचूरिया, रीनल फेलियर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ओरल एजेंट्स ही देने हैं, लेकिन यहाँ हम जो है इमरजेंसी में आईवी एजेंट्स देते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है वो हमारा गोल यही होता है कि हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मोर देन 110 लेस देन 110 कर दें विद इन 2 to 6 hours, वरना पेशेंट ऑर्गन फेलियर और डेथ में चला जाएगा। तो आईवी में जो एजेंट हम देते हैं वो नाइट्रोपरसाइड होता है, ठीक है, और उसके अलावा हम आईवी नाइट्रोग्लिसराइड दे सकते हैं, और उसके अलावा लेबिटालॉल जो कि अल्फा बीटा ब्लॉकर है दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्वेश्चंस क्या आए हैं, चूँकि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट था तो इसको इतने ज़्यादा उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं थी, बस हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, और उसको फिर उसी तरीके से ज़ाहिर है हम लोग मैनेज करते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड में। हाइपरटेंशन ये आ गई, ठीक है, ओके। अब आप देख लें यहाँ पे कि हाइपरटेंशन में से क्या या किस तरह का केस आया हुआ होता है। एक 45 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर ओपीडी में आया है और फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ एज अ केस ऑफ हाइपरटेंशन। उसका ब्लड प्रेशर आपको पता है ज़्यादा ही है, उसकी जो पल्स है वो 80 है, जुगलर वीनस प्रेशर रेज नहीं है, बाकी CVS नॉर्मल है, सेकेंड हार्ट साउंड कोई गैलप नहीं है, चेस्ट भी नॉर्मल है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका जो है वो हाइपरटेंशन है, ठीक है। वट आर द वेरियस फार्माकोलॉजिकल स्टेप इन कंट्रोलिंग BP अकॉर्डिंग टू द UK? अच्छा, वेरियस फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स यही हैं जो आपको बता दिए हैं कि पहले जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका गोल हम एक सेट करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फिर हमने स्टेप वाइज उसको देख लिया कि लेस देन 55 है तो ACE है, मोर देन 55 है तो थायराइड या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर स्टेप 2 में एक ऐड होगी, स्टेप 3 में और ऐड होगी, और स्टेप 4 में और ऐड हो जाएगी। इफ़ द पेशेंट इज़ अबव एज ऑफ 55, वट विल बी द मेन डिफरेंस? अच्छा, वही हमने कहा था, अबव 55 होगी, बिलो 55 में तो हम ACE इनहिबिटर देते हैं, लेकिन अबव 55 में हम थायराइड देंगे या फिर हम उसको क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। बेसिक टेस्ट जब पेशेंट ट्रीटमेंट के ऊपर है तो हम जो है वो बेसिकली उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है, और यूरिनारी करा लेते हैं टू रूल आउट एनी प्रोटीन यूरिया वगैरह, और यही कुछ बस बेसलाइन टेस्ट जो है, LFTs करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, उसके बाद RFTs हैं, और इस तरह की ही इन्वेस्टिगेशन, और साथ में पूछ लेते हैं कि आपको मतलब विजन टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखना चाहें हार्ट रिलेटेड कोई पैथोलॉजी, हार्ट फेलियर ये वो वगैरह, तो उसके लिए हम ECG और एको करा सकते हैं, और बस यही कुछ, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट इसके एक 18 ईयर ओल्ड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर 180/110 है, उसके ब्लड प्रेशर प्लस पल्स इतनी है, रेगुलर है, कोई अदर मसला नहीं है। 4 मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, अब चूंकि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ के अंदर जो है वो हमने कहा कि एंडोक्राइन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमगैली हो सकता है, उसके बाद हमने कहा था रीनल कॉजेज़ जैसे कि कोई उसको हुआ हुआ है, प्रोटीन यूरिया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो हो सकता हुआ है, उसके अलावा हमने कहा कि मेडिकेशंस की वजह से ऐसा हो सकता है, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, पॉलीसाइथेमिया वगैरह, वो कर सकते हैं। 4 मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट के अंदर वही हम रीनल RFTs करेंगे, TFTs कर लेंगे टू रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी एक्सरे कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, क्योंकि यंग पेशेंट में हाइपरटेंशन हो तो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है। उसके बाद कहता है कि 2 बेडसाइड क्लिनिकल साइंस टू इवेलुएट एंड ऑर्गन फेलियर। अच्छा, एंड ऑर्गन फेलियर को रूल आउट करने के लिए हम क्या क्लिनिकल साइंस देखते हैं? अगर जुगलर वीनस प्रेशर रेज्ड है, अगर कोई मर्मर प्रेजेंट है, सिंकपी है, और ये चीज़ें हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि वो स्ट्रोक या हेमरेज है, उनके भी साइन एंड सिम्टम्स वही हमने देखने होते हैं टू रूल आउट एनी ऑर्गन फेलियर। 4 सर्जिकल
रेमीडियल गिव फोर सर्जिकल रेमीडियल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. सर्जिकल रेमीडियल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन फिर वो डिपेंड करता है कि अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उसको फिर हम लोग ट्रीट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये ओवरऑल रेमेडीज़ होंगी. सर्जिकल रेमेडी तो हम हाइपरटेंशन में ऐसा कोई भी नहीं करते जब तक हमें कॉज ना पता हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है. लेकिन बहरहाल इसको आप लोग देख लेना, फिर मुझे भी बता देना. उसके बाद कहता है कि एक 17-year-old बॉय है और उसका ब्लड प्रेशर इतना है, आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए, और 4 classes एंटी हाइपरटेंसिव तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव डिस्कस कर ली है, इस इनहिबिटर ARBs बीटा ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, थायराइड हैं, सारी हैं. ठीक है, एक 35-year-old बॉय जो है वो आ रहा है, उसको हॉस्पिटल हेमरेज है, उसके पेरेंट्स भी हाइपरटेंसिव थे, उनकी डेथ हो गई, उसका अपना बीपी बहुत रेज्ड है. 5 investigations बताएं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए. लाइफस्टाइल चेंजेस उसके अंदर, वही डाइट मेंटेन करें, नमक ना खाए, एक्सरसाइज करें, वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना ले. 5 classes ऑफ एंटीरिथमिक, तो 5 classes आपको ऑलरेडी बता दी हैं. ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग ज़रा देख लेना, बाकी जो है वो आसान से ही केसेस हैं. ठीक है, सो दिस इज इट. अब इसमें से कोई कंसर्न या कोई इशू हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखा आप लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा कि बेड साइड साइंस जो आपने देखने हैं वो रेडियो फेमोरल डिले जो आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा का बताएगा, इनलार्ज किडनी जो पॉलीसिस्टिक किडनी को इंडिकेट करेगी, कोई एब्डोमिनल ब्रूई, कोई भी कुशिंग सिंड्रोम के साइन, ओबेसिटी या इस तरह की चीज़ आपने देखनी है. इन्वेस्टिगेशन पे पहले हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में यूरिनरी हेमाटोक्रिट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लेंगे, क्रिएटिनिन कराएंगे, ECG करेंगे और सीरम टोटल LDL और HDL लेवल करेंगे. देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिकली हम चेस्ट एक्सरे करेंगे टू रूल आउट कार्डियोमिगैली, हार्ट फेलियर, ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, एक्को करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल एंजियोग्राफी, यूरिनरी कैटेकोलामीन ताकि हम फियोक्रोमोसाइटोमा को रूल आउट कर सकें, यूरिनरी कॉर्टिसोल वगैरह और प्लाज्मा रेनिन वगैरह. ठीक है, और जो हमने उसको एडवाइस करनी है, वेस्ट रिडक्शन, लो फैट, लो डाइट, स्मोकिंग ना करेगा, ये वो, और ड्रग्स जो आपको पहले ही बता दिए कि एंटी हाइपरटेंसिव ओवरऑल ये होती हैं, एड ऑन हम ये दे सकते हैं साथ में, और ये जो है वो UK की गाइडलाइंस के मुताबिक स्टेप वाइज अप्रोच है जो कि आपने पहले देख ली है. और जब पेशेंट ट्रीटमेंट पे है, शायद हमने पहले भी देखा है कि उसकी सर्वेलेंस के लिए कौन से टेस्ट हमने करने हैं, तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, RFTs करने और ECG करनी है. सो आई होप कि अब आप लोगों का ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया हुआ है. इसमें से कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें. थैंक यू.